अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यहाँ बनाएंगे वेरी डिलीशियस चाइना ग्रास की रेसिपी। ये रेसिपी तो बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होती है और इनका टेक्सचर तो देखिए, ये बिल्कुल ही टूटते नहीं, एकदम एकदम परफेक्ट बनके तैयार होती है। तो चलिए देखते हम कैसे बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर, और इन्हें अभी एक बॉयल आने के लिए दे देते हैं। तब तक हम यहाँ पर चाइना ग्रास जो निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने और 2 लीटर का चाइना ग्रास को लिया है, लेकिन इनमें से मैं हाफ ही ले लूँगी, क्योंकि यहाँ मैं बना रही हूँ 1 लीटर मिल्क का, तो हाफ ले लेंगे। अभी इन्हें 10 मिनट के लिए थोड़ा गुनगुना पानी में भिगो कर रख देंगे। इसके बाद हम पानी में डाल के इन्हें बॉईल कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये एकदम मेल्ट होके अच्छा फॉर्म में आ जाएगा, एकदम मेल्ट फॉर्म में आ जाएगा। इन्हें 8 से 10 मिनट तक अच्छे मीडियम फ्लेम में इन्हें बॉईल करके ले लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फॉर्म में आ चुका है, पूरी मेल्ट हो चुकी है चाइना ग्रास। तो चलिए देखते हैं हम मिल्क की तरफ। तो यहाँ पर मिल्क भी एक बॉयल आ चुका है, ये देखिए एकदम गाढ़ा मिल्क है ये, और इनमें एकदम फुल फैट मिल्क की लेना है हमें। तो इससे हमारा जो चाइना ग्रास है परफेक्टली बन के तैयार हो जाती है। देखिए एकदम गाढ़ा है ये, अभी एक बॉयल आ चुका है। अभी हम इनमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर को डाल देंगे। ये मस्ट है, ये डालना ही है। आप कुछ डालो या नहीं डालो, यानी कि कुछ लोग रोज़ का एसेंस डालते हैं, केवरा वाटर डालते हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन वो डालो नहीं डालो, लेकिन इलायची पाउडर मस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम शुगर को डाल दिए इसके अंदर, और थोड़ा सा मैंने 100 ग्राम की इतना काजू को पेस्ट करके ले लिया, पाउडर फॉर्म में बना लिया है, ये भी इनमें डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा लम्स बनने की चांसेस रहती है। तो आप कंटिन्यूसली इन्हें मीडियम फ्लेम रख के अच्छे से मिक्स करते जाएं, और साइड में जो भी मलाई जमती है उन्हें भी इस तरह से क्रश करते निकालते जाएँ। तो कंटिन्यूसली हमें इन्हें मिक्स करते रहना है, क्योंकि हमने काजू का पाउडर डाला है, लम्स बन जाएगा। और एक अच्छा टेक्सचर आने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कस्टर्ड का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, कस्टर्ड पाउडर ही है, और थोड़ा कलर भी अच्छा आएंगे इनमें। तो यहाँ पर मैं येलो कस्टर्ड का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 छोटा स्पून का लिया था कस्टर्ड पाउडर, और इस पानी डाल के इन्हें मिक्स कर दिया है, और तुरंत ही इसमें डाल देंगे और कंटिन्यूसली इन्हें चलाएँगे अच्छे से। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को लिया है, इसमें से हम आधे को डाल देंगे, आधा हम टॉपिंग के लिए रख देंगे। ये एकदम ज़बरदस्त बनके तैयार हो जाती है, इतना हम रख देंगे टॉपिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने चाइना ग्रास को जो मेल्ट किया हुआ था, ये भी इनमें डाल देंगे, हल्का ठंडा करके डाल देंगे, नहीं तो दूध फटने की चांसेस होती है। तो अभी हम इन्हें अच्छे से बॉईल करके ले लेंगे, बस 1-2 बॉईल आ जाएगा फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कितनी माशाल्लाह गाढ़ी दूध की है। बिल्कुल ही आपको पानी ऐड नहीं करना है इसमें, आपको फुल फैट मिल्क लेना है, तो आपका एकदम परफेक्ट बनके जो चाइना ग्रास है बनके तैयार हो जाएगा। इन्हें आप कंटिन्यूस जो है ना चलाते रहना है, नहीं तो फिर नीचे भी लग सकता है और साइड किनारों में भी लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे जो चाइना ग्रास है बनके तैयार है। अभी इन्हें हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे एक बाउल में डालकर। अभी देखिए रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो मैं ऊपर से टॉपिंग के लिए ड्राई फ्रूट जो हमारा बचा है वो डाल देंगे। ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर में सेट हो जाता है, लेकिन हमें ये थोड़ा ठंडा खाने के लिए अच्छा लगता है, तो इसे मैं आधा घंटे के लिए डीप फ्रीज कर दूंगी। इसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर जो है दिखा दूंगी। यहाँ पर देख सकते हो आधा घंटे के बाद जो है इसका टेक्सचर बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो चलिए दिखाती मैं आपको इनका टेक्सचर, ये देखिए कितनी मज़े की बनी है, बिल्कुल ही टूटता नहीं है। इस टाइप में अगर बनाएंगे, कस्टर्ड पाउडर ऐड करने का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोगों का टूट जाता है, तो बिल्कुल आपको डर नहीं रहेगा थोड़ा सा आपको ऐड करने से, और टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। ये तो वैसे जैसा आप खाते वैसे ही रहेगा, ये बिल्कुल नहीं टूटता है, ना पानी छूटता है। देखिए हर मैं इसमें से आपको निकाल के बता रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।